मेरे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सरल अंसारी। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जीपी रेटिंग का जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें ओरल कितना नंबर का होता है, प्रैक्टिकल कितना नंबर का होता है और जो MCQ ऑनलाइन एग्जाम होता है वो कितना नंबर का होता है और आपको पास करने के लिए सब में कितना नंबर लाने की जरूरत पड़ती है। तो आज फुली डिटेल में जीपी रेटिंग के एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लड़कों का बार बार यही कमेंट आ रहा था कि सर जीपी रेटिंग का जो एग्जाम होता है उसमें कितना नंबर हमको लाना पड़ता है। तो इस वीडियो में प्रॉपर यही बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया जान लेते हैं। देखिए जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हैं तो जीपी रेटिंग का एग्ज़ाम जो होता है आपका 6 एग्ज़ाम लिया जाता है, 3 MEK का होता है और 3 GSK का होता है। यानी MEK का मतलब होता है मैरीन इंजीनियरिंग नॉलेज और GSK का मतलब होता है जनरल शिपिंग नॉलेज। तो 3-3 डिवाइड होते हैं और 3 में प्रत्येक में ऑनलाइन प्रैक्टिकल और आपका ओरल होता है। इधर भी ऑनलाइन होगा, प्रैक्टिकल होगा, ओरल होगा। तो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि किसमें कितना मार्क्स लाना पड़ता है। तो MEK और GSK जो भी मैं बताऊँगा दोनों में सेम मार्क्स लाना पड़ता है आपको, ठीक है। MEK की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो MEK में 2 सर्वेयर आते हैं आपका एग्ज़ाम लेने के लिए और आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कॉलेज में आपकी स्ट्रेंथ 90 बच्ची की है तो वो 45-45 डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सर्वेयर आपका सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेगा तो वो और 40 डिवाइड कर लेंगे, 40 आपका GSK में चला जाएगा और 40 MEK में चला जाता है, ठीक है। तो पहले मैं MEK से स्टार्ट करता हूँ। तो MEK में फिर 25-25 बच्चे को डिवाइड कर दिया जाता है या 20-20 बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है। अब 2 सर्वेयर, जो सर्वेयर आपका प्रैक्टिकल लेता है वही सर्वेयर आपका MEK का ओरल भी लेगा, ठीक है। ये मत समझिए कोई सर्वेयर हम लोग का प्रैक्टिकल लेगा और कोई सर्वेयर हम लोग का ओरल होगा, नहीं। तो जो आपका सर्वेयर एग्जाम लेने के लिए आता है अगर उस डिपार्टमेंट में आप पढ़ गए तो वो आपका जो प्रैक्टिकल लेगा वही आपका ओरल लेता है। तो प्रैक्टिकल जो होता है वो कितना नंबर का रहता है और जो ओरल होता है वो कितना नंबर का रहता है, ये बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन था, ठीक है। तो देख मैं आपको बता देता हूँ कि ओरल और प्रैक्टिकल दोनों का मार्क्स एक ही में इंक्लूड करके वो देता है, ठीक है। ये नहीं कि ओरल में अलग दे देगा और प्रैक्टिकल में अलग दे देगा, क्योंकि वो दोनों एग्जाम आपको लेगा, प्रैक्टिकल भी वही लेगा और ओरल भी वही लेगा। तो प्रैक्टिकल और ओरल दोनों मिलाकर आपका 50 नंबर का एग्जाम होता है, 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 25 नंबर का ओरल होता है, ठीक है। और दोनों का एक ही में मार्क्स वो इंक्लूड करता है। तो आपको टोटल ओरल और प्रैक्टिकल और जर्नल, ठीक है, आपको जर्नल जो मिला होगा मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था कि जर्नल क्या होता है, तो तीनों चीज़ मिलाकर आपको 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 50 नंबर में आपको 60% लाना होता है। 60% का मतलब हुआ 50 में 60 ले दीजिए, 36 यानी 50 में आपको 30 नंबर लाना होगा। ओरल, प्रैक्टिकल और जर्नल तीनों मिलाकर 50 नंबर का हो रहा है, 50 नंबर में आपको 30 नंबर लाना पड़ेगा तभी आप पास होंगे। अब बहुत सारे लड़के ये भी बोलते हैं कि सर अगर प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो फिर ओरल क्या होगा, तो जी नहीं, अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, ओरल भी देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में फेल होते हैं तो सिर्फ आपको ऑनलाइन ही देना पड़ता है, ठीक है। तो ये नियम बनाया है कि अगर आप ओरल में फेल हुए तो ओरल प्रैक्टिकल देना पड़ेगा या आप प्रैक्टिकल में फेल हुए तो प्रैक्टिकल ओरल आपको दोनों देना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि 50 नंबर का ओरल, प्रैक्टिकल और जर्नल दोनों मिला के होता है जिसमें आपको 30 नंबर लाना होता है। अब हम लोग ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 45 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन में 5 नंबर, जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो 3-3 नंबर के होते हैं और जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो 1.5-1.5 नंबर के होते हैं, यानी 1.5 नंबर के होते हैं। तो 5-3 15 नंबर इधर हो गया और 60 नंबर इधर हो गया, तो आपका टोटल हो गया 75 नंबर, ठीक है। तो आपका MEK का जो ओरल प्रैक्टिकल और जनरल मिलाकर 50 नंबर होगा और उधर जो आपका ऑनलाइन होगा वो 75 नंबर का होगा। बहुत सारे लड़के ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि सर जो आप 45 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जो बोल रहे हैं 3-3 नंबर का होता है वो क्वेश्चन कौन सा होता है, तो वो क्वेश्चन सेफ्टी रिलेटेड होता है, फायरिंग एक्सटिंग्विशर होता है। तो सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का पूछता है। तो 75 नंबर और 50 नंबर आपका हो गया कितना, तो 125 नंबर। 125 नंबर का MEK होगा, सेम उसी तरह 125 नंबर का आपका GSK होगा। तो 125 और 125 आप कैलकुलेटर कर लीजिएगा तो 250 नंबर का, यानी GP रेटिंग का जो टोटल एग्ज़ाम होगा 250 नंबर का होगा। अब 250 नंबर में मैं आपको बता देता हूँ कि अब ये नहीं है कि 250 का आपको 60% लाना है, ऐसी कोई बात नहीं है।
आपका एमीके में ओरल प्रैक्टिकल जर्नल तीनों का 50 नंबर है, 50 नंबर में आपको 60% लाना होगा 30 नंबर, फिर 45 क्वेश्चन वहाँ पर 75 नंबर है, 75 नंबर में अगर आप उसका 60% निकालेंगे तो 6 5 30 6 42 43 44 45 45 यानी 45 नंबर आपको लाना पड़ेगा 75 में, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि टोटल एमीके में 60% नहीं, अलग अलग आपको 60% लाना पड़ेगा। फिर जीएसके में भी वैसा ही प्रोसेस होता है, जनरल हो गया प्रैक्टिकल हो गया और ओरल हो गया, तीनों में 50 नंबर का होगा, 50 नंबर में आपको 30 नंबर लाना होगा। और जो आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे और 40 क्वेश्चन रहेंगे वो 1.5-1.5 नंबर करेंगे, तो 75 नंबर हुआ, 75 नंबर में आपको 46 नंबर आपको लेके आना पड़ेगा 75 में, तभी आप पास होंगे। अब बहुत सारे लड़कों का ये क्वेश्चन था कि सर हम अगर मान लीजिए कि एमीके में फेल हो गए और जीएसके में पास हो गए तो क्या हमको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा? नहीं, जिस सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं सिर्फ आपको उसी का पेपर देना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन में फेल होते हैं तो ऑनलाइन का चलान आपका 250 रुपया कटता है, फिर से आपको कॉलेज में 250 रुपया पेड करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिकल और ओरल में फेल करते हैं तो उसके लिए 120 रुपया रखा गया, ठीक है। अब लड़कों का यह भी क्वेश्चन था कि सर अगर मान लीजिए कि हम 2 दफ़ा फेल हो गया तो हमको कितना अटेम्प्ट मिलता है जीपी रेटिंग का एग्ज़ाम देने के लिए? तो आपको 4 अटेम्प्ट मिलता है। फर्स्ट, क्योंकि आपको जो मिलता है उसमें से आपको एक प्रैक्टिकल बुक मिलता है पतली सी, उसमें लिखा रहता है कि आपको कौन कौन से असाइनमेंट करना है। तो जब भी सर्वेयर आएगा एग्ज़ाम लेने के लिए आपका वो एक एक फाड़ के लेकर चला जाता है, यानी आपको वो 4 कॉपी मिलती है, 4 पेजेस होता है, पहला में फ्रेशर होता है, दूसरा में फर्स्ट, तीसरा में सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, यानी आपको 4 कॉपी मिलती है। जब आप फाइनल एग्ज़ाम दीजिएगा तो फर्स्ट स्टेप में आपका एक फ्रेशर का लेकर चला जाएगा, अगर आप फेल हो गए तो दूसरे बार आएंगे तो फिर आपको एक और लेकर चल जाएगा, यानी आपको 4 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है। मैंने जिस दिन आप एग्ज़ाम दीजिएगा उस दिन से लेकर आपको 4 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर 4 अटेम्प्ट में आपने पास किया तो किया, नहीं तो फिर से आपको कॉलेज में उतना ही जितना में आपने एडमिशन लिया उतना ही फी पेमेंट करना पड़ेगा, फिर से आपको कोर्स करना पड़ता है। तो यही मैंने आपको बता दिया कि जीएसके में आपको 60% लाना पड़ेगा और एमीके में भी आपको 60% लाना पड़ेगा, इच सब्जेक्ट में अलग अलग, ठीक है। और आप एक बात याद रखिए, अगर आप ओरल में फेल हो जाते हैं तो आपको ओरल और प्रैक्टिकल फिर से देना पड़ता है, और अगर लेकिन अगर आप ऑनलाइन में फेल होते हैं तो आपको सिर्फ ऑनलाइन का ही एग्ज़ाम देना पड़ता है। और जो सर्वेयर आपका ओरल एग्ज़ाम लेता है वही आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कॉमेंट सेक्शन में जाएँ, वहाँ पर कॉमेंट करें, मैं डेफिनेटली उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।